लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर किया गया ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है और यूं तो इसमें अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिखा, मगर लोगों ने ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगाई कि उनका इशारा किस तरफ है। यूपी सरकार में खींचतान के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार देर रात दिल्ली से लौट आए। दो दिन से केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा जमा रखा था। वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दो बार मुलाकात की, लेकिन उनकी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। दिल्ली से लखनऊ वापस लौटे केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात नहीं की, हालांकि मुस्कुराकर अभिवादन जरूर स्वीकार कर लिया। हालांकि अब तो अखिलेश लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर तंज ही कसते जा रहे हैं और केशव की तरफ से इनके जवाब भी खूब आ रहे हैं। मगर इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे दिया था। एक न्यूज चैनल को दिए गए पुराने इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था सीएम बनने का, वो आज भी 100 विधायक ले आए, वो बिहार से उदाहरण ले लें, अगर हिम्मत है तो विधायक लेकर आए। एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 विधायक हैं, आज भी अपने विधायक लेकर आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे देगी, अगर उन्हें अपना सपना पूरा करना है तो तोड़े बीजेपी और वहां से बाहर आए। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई और इंडिया गठबंधन से कम सीटों पर उसने जीत हासिल की। इसके बाद से ही हार के कारणों पर पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। केशव प्रसाद मौर्य रविवार को तब अचानक चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। इसके बाद केशव के बयान के कई मतलब निकाले जाने लगे। किसी ने इसे सीएम योगी के साथ तनातनी माना तो किसी ने इसे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ बताया। इसी बयान के बाद उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वहां जाकर मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कस दिया था। उन्होंने लिखा था, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में सूबे का प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में कर रही थी, वो अब अपने दल के अंदर ही कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों की दलदल में धंसती जा रही है, जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। फिर अखिलेश के इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर पलटवार किया था और अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिख दिया था, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है, प्रदेश में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में भी 2017 दोहराएगी, एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच लगातार पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है और इसमें बयानों के कुछ पुराने वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे हैं, मगर इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में 10 सीटों को लेकर के कौन सी पार्टी बाजी मारती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।